गणपतये नमः। श्री गुरुदेवदत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने घर बैठे सिर्फ मन ही मन में किसी भी मनचाहे स्त्री या पुरुष का प्रचंड वशीकरण करके उसे खुद करके अपने पास लाने के एक महाशक्तिशाली सिर्फ 8 शब्दों के अत्यंत सरल लेकिन बहुत ही सटीक तुरंत काम करने वाले शाबर वशीकरण मंत्र के बारे में बता रही हूँ। हालांकि इस मंत्र के बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसके प्रयोग करने के सरल और आसान बिना पूजा विधि के तरीके के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि दूर से वशीकरण करने का यह एक बहुत ही असरदार सिर्फ एक दिन का वशीकरण मंत्र उपाय है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वांछित प्रेमी या प्रेमिका या अपने पिछड़े हुए पति या पत्नी को तुरंत वश कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस वशीकरण मंत्र प्रयोग को किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। साधक को अपने घर में या अन्य किसी भी एकांत स्थान पर जहाँ पर डिस्टर्बेंस यानी कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने की संभावना न हो, ऐसे स्थान पर बैठकर वह इस मंत्र को बोल सकता है। इस मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की दिशा आसन माला इत्यादि का कोई भी बंधन जुड़ा हुआ नहीं है। साधक ने अपने मन चाहे स्त्री या पुरुष के बारे में एक पल सोचना है और फिर आगे बताए हुए शाबर वशीकरण मंत्र को 500 बार बोलना है। मंत्र का वाचिक जाप करना ज़्यादा उचित होगा। मंत्र की गिनती करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह छोटा सा मंत्र है और साधक मंत्र की गिनती करने के लिए किसी भी प्रकार की जापमाला या काउंटिंग काउंटर या अपने उंगलियों का इस्तेमाल कर सकता है। शाबर मंत्र शास्त्र के अनुसार इस वशीकरण मंत्र प्रयोग से एक ही दिन में ही सफलता मिल जाती है, लेकिन अगर किसी कारणवश साधक को मनचाही सफलता नहीं मिलेगी, तब साधक ने लगातार 7 दिन इस मंत्र का प्रयोग करना है या कर सकता है। अगर इस वशीकरण प्रयोग को पूरे तीव्रता पूरे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से करोगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होती है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जिसका आपको वशीकरण करना चाहते हो उसके साथ आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान होनी ज़रूर है, और अगर आप किसी भी हीरो या हीरोइन या अजनबी के साथ के बारे में सोचकर इसका प्रयोग कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए सोच समझ कर इस मंत्र का प्रयोग करें और मजाक के लिए कभी भी मत करें। इस मंत्र के हिंदी आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है। झाम झाम झाम, हाम हाम हाम, हेम हेम, 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 झाम झाम झाम,
हाम हाम हाम, हेम हेम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।